इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज जो है मेरा बांग्लादेश में ढाका में लास्ट नाइट है, मीन्स आई एम रिटर्निंग फ्रॉम बुरीमारी चेंगराबंदा बॉर्डर। और चेंगराबंदा मतलब इट इज़ नियर टू कोचबिहार सिलीगुड़ी वो साइड में। और ये ट्रेन का नाम है लाल मुनिरहाट एक्सप्रेस। ये ट्रेन छोड़ता है ये कमलापुर स्टेशन से बांग्लादेश ढाका में और जाता है टिल लाल मुनिरहाट। और इसका फेयर जो है मेरे को लिया है 1250 टाका। तो वहाँ तक जाएंगे, उसके बाद वहाँ से कम्यूटर ट्रेन में बुरीमारी तक पहुँचेंगे, उसके बाद लैंड कॉर्ड क्रॉसिंग करना है। तो भाई वो टैक्सी छोड़ना पड़ा, अभी साइकिल रिक्शा में है। क्या हुआ आपको बताता हूँ, ढाका में ट्रैफिक जम जो है ना वो एकदम मेजर प्रॉब्लम है। ट्रैफिक जम भाई, कोई भी ढाका में आ रहे हो तो इतना ध्यान रखो कि यहाँ पे 10 किलोमीटर आने के लिए भी आपको 5 घंटा लग सकता है। भाई फाइनली पहुंच गया हूं कमलापुर रेलवे स्टेशन, हाथ में 10 मिनट है। तो यहां पे तो अभी तक प्लेटफॉर्म नंबर दिया नहीं है लाल मुनि एक्सप्रेस का, प्लेटफॉर्म में तो मैं पहुंच गया हूं। अभी 10 मिनट बचा हुआ है, तभी भी पता नहीं ट्रेन क्यों नहीं दिया है, ट्रेन को दे देना चाहिए था आज। लेकिन हद हो गया है यार, 10 किलोमीटर आने के लिए 3 घंटा लग गया मेरे को, ये तो कभी भी ऐसा हुआ नहीं है मेरे को। और आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि भाई पहुंच जाएंगे, लेकिन लास्ट में लग रहा था कि नहीं भी पहुंच सकते, ऐसा भी हो सकता है। लाल मुनिरहाट कत नम्बर आसबे भाई? तबुओ कत नम्बर आसे जेनरलि? नहीं 9:45 छाड़ार टाइम एखो आसे नहीं क्या? ट्रेन तो अभी तक आया ही नहीं है भाई, अभी ऑलमोस्ट 9:30 हो रहा है, आएगा शायद। तो भाई ये था यहाँ का वेटिंग रूम, ट्रेन कम से कम 3 से 4 घंटा लेट चल रहा है भैया। बस बसों से अभी ट्रेन दिया है 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे, चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। भाई ट्रेन 4 घंटा लेट चालू होने वाला है, तो मतलब पहुँचेगा भी 4 घंटा लेट। तो टाइम वाज 7:30 उसका अराइवल टाइम था, तो अभी 12 बजेगा उसको पहुँच के पहुँचते। चलो नेक्स्ट डे चलो। ये जो ये भाई है इनका भी सेम ही ट्रेन है, लाल मुनिरहाट में ही जा रहे हैं हम लोग दोनों। आपने कितना नंबर है? तो एक दो स्टेशन पहले दो कितना कौन सा स्टेशन आ गया? अच्छा, एनी वाइज उनका भी मतलब वही सेम ही ट्रेन है, 4 घंटा ट्रेन लेट जा रहा है। कौन? अच्छा 45। तो बेसिकली जैसे इंडिया में होता है S1 S2 S3 या AC कंपार्टमेंट का होता है B1 B2 या फर्स्ट क्लास का होता है A, यहाँ पे बंगाली में क ख ग ऐसे होता है। तो दिस इज़ आवर प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म नंबर 7। और ट्रेन आ चुका है क्या? ओह ट्रेन भी आ गया है, चलो आपको ट्रेन दिखाता हूँ। बेसिकली ये नैरो गेज है, ये ब्रॉड गेज नहीं है इंडिया जैसा, आपको देख के पता चल रहा होगा। ये जो है बहुत पतला होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स आर वेरी स्मॉल। पहले के ज़माने में चलता था ऐसे नैरो गेज इंडिया में, अभी तो शायद नहीं चलता है कहीं पे भी। पाओ जाए अपना लाल मुनिरहाट कत नम्बर? क इनार क हमार ग उनार घ। मस्त है ट्रेन है यार, सही दिख रहा है एकदम, पुराने ज़माने का एकदम एंशियंट टाइप का। तो ये ट्रेन में अपना ट्रेन का सफर रहेगा, दिस इज ये अपना लाल मुनिरहाट। भाई अपना नाम क्या बता, नाम की बोल रहे? फजल रब्बी। फजल अब रब्बी, अपना नाम? स्वाधीन। स्वाधीन स्वाधीन, पूरा नाम? कृष्ण राय स्वाधीन। कृष्ण राय स्वाधीन, अभी हिंदू नहीं? वाह वाह, তো ভাই থোড়া সা কনফিউশন চল রা হে দেখো বাংলাদেশ রেলওয়ে তো থোড়া সা কনফিউশন চল রা হ্যাঁ কিন্তু ট্রেন মে লিখা হুয়া হ্যায় কিশোরগঞ্জ কিশোরগঞ্জ লেকিন বোর্ড মে ইয়ে আপনা বোর্ড মে দিয়া হুয়া থা কি লালমুনিরহাট ইয়াহি সে ছুটেগা। तो अभी हम लोगों ने कंफर्म करा लिया, यही है ट्रेन।
देखो दूसरा वाला जो है वही सेम ही है, देखने में दोनों सेम ही है। वो जाएगा कुड़ीग्राम और अपना लालमोनी घाट। तो भाई ट्रेन का ऐसा ही है और इंजन इसके सामने लगेगा। प्लेटफॉर्म का भी क्लीन है, इट्स अ वेरी क्लीन प्लेटफॉर्म। उधर भी दो ट्रेन लगा हुआ है, सभी ट्रेन एक ही टाइप देखने में है और सभी नैरो गेज है। भेजो वर्ल्ड एक्सप्रेस विद सोल गेस्ट। तो भाई ट्रेन के अंदर चढ़ गया हूँ, तो अंदर का कुछ कुछ ऐसे दिखता है। अपने वहाँ पे जो शताब्दी वगैरह का जो अरेंजमेंट रहता है ना उस टाइप का। ये साइड में बाथरूम है, बाथरूम कैसा है एक बार देख लेते। ये जो है टॉयलेट है, कोमोड बैठ। और ये दूसरा कंपार्टमेंट, और शाम रात में मेरे ख्याल से ये दोनों क्लोज कर देते। पानी वाला ही पूरी तरह जाने वाला जो है इट हैज स्टार्टेड, वो भी मेरे ख्याल से उसके बाद अपना भी चलना चाहिए। अभी टाइम हो रहा है 11:30, रात के 1 बज रहा है, ट्रेन अच्छा स्पीड में चल रहा है। लालमोनी घाट बाई 7:30, तो और एक 1.5 घंटा लगेगा, मतलब 11:30 बजे तक पहुँचेंगे। तो समझ लो 3.5 घंटे का डिले है ट्रेन में। और बाहर बारिश हो रहा है, वेदर तो मेरे ख्याल से तब ठंडा होगा। तो पीछे अपना सब सवारी देख रहे होंगे, आधा ट्रेन तो खाली होगी, बहुत कम लोग ही है। पीछे मेरा भाई के साथ बात हो रहा था, आपका नाम जी भाई, जी भाई। तो इनका होंडा का शोरूम है, बात होते होते उन्होंने एक बोला कि टी शर्ट है मेरा शोरूम का, तो वो मेरे को गिफ्ट किया। तो बोला भाई यहाँ पे जनरली लोग जो है बहुत ही नेक दिन लोग हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं। तो आगे का स्टेशन में भाई भी उतर जाएंगे और मेरे को लास्ट तक जाना। तो तुम्हारे लोकल पब्लिक जाओ उससे, चल अपने उन्हें में ही अच्छे। अच्छा देखा हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी उतर गए, ये कोई तो स्टेशन है। एकदम ठंडा हो गया है, गर्मी का कुछ नामो निशान नहीं है।
मज़ा आ रहा है बिल्कुल। जैसे दिखता है लालमुनी घाट लास्ट स्टॉप ही ये ट्रेन का, ये ट्रेन फिर से वापस जाएगा ढाका शाम में। अभी यहाँ से अभी कम्यूटर ट्रेन के लिए टिकट लेना पड़ेगा, देखते हैं कहाँ से। ट्रेन तो मिला नहीं है लालमोनी घाट से, तो सुबह निकल गया अपना ट्रेन, 3.5 घंटा लेट था। मुझे तो टोटो में करके जाना पड़ेगा, बीच में एक जगह है हाथी बंदा बोल के रहा हूँ, कितना 55 किलोमीटर अराउंड 55 किलोमीटर से यहाँ से हाथी बंदा, तो वहाँ तक जाना पड़ेगा। वहाँ जाके फिर से चेंज करके पूरी मारी के लिए फिर से देना पड़ेगा। वो कहते मारी पाए वहाँ से, यहाँ से ये 55 किलोमीटर है हाथी बांधा, हाथी बांधा और उसके बाद वहाँ से फिर एक 40 किलोमीटर रहेगा बीमारी के लिए, मतलब 4 घंटा मिले लगेगा टोटल दोनों मिला के। वहाँ से ऑलमोस्ट 4 बजे तक पहुँचेंगे वादा के लिए। आधा रास्ता आ चुके हैं हम लोग, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर आगे और 25 से 27 किलोमीटर जाना है। टाइम हो रखा है 1 बजे बांग्लादेश टाइम, और 1 घंटा लगेगा, मतलब 2 बजे तक हाथी वादा पहुँचेंगे। उसके बाद वहाँ से पाटग्राम से गोली मारी, देखते हैं क्या होता है। बस में बैठ गए, पाटग्राम के लिए एक बस मिला था बीच में, तो ये अपने को पाटग्राम तक छोड़ेगा। तो फोटो में जाते थे तो कम से कम 2 घंटा और लग जा रहा था, इसमें होपफुली 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा, तो देखते हैं। पाटग्राम बोलो, ये पाटग्राम मुझे फाइनली यहाँ पे अपना बांग्लादेश टूर खत्म होगा, देखते प्रॉपरली इमिग्रेशन होगा इंडिया में पहुँचेंगे तो खत्म होगा। सब टूरिस्ट बस खड़े हैं जो इंडिया से इमिग्रेशन करके यहाँ पे खड़े रहते हैं, आगे भी आपको दिखेगा ये सब बस ढाका जाना, सब सुबह ढाका, सब आगे पीछे चारों तरफ आप देखो बस। अच्छा ये लाल अपना गाड़ी, अच्छा अच्छा हाँ जी,
भाई हनीफ पास का ड्राइवर है, उसको भी ढाका जाना है। आगे 0 पॉइंट है। तो भाई इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया, कस्टम्स वगैरह हो रहा है इंडिया साइड में, अभी बांग्लादेश साइड का हो गया। হ্যাঁ এই জায়গাটা ওখানে যাচ্ছি, এই জায়গাটা ওখানে করতে হবে, আমি এই জায়গাটা থেকে ওর মধ্যে নেই করতে। তো হো গিয়া আমি হোপফুলি ইহা পে বহুত জলদি হো যায়গা। তো ফাইনালি ভাই সব সব কিছু খতম হো গিয়া, ইমিগ্রেশন ওগেরা ইন্ডিয়া সাইড সে ভি তো রুম মে বেঠা হুম, যা রুম নিয়ে টু ফার্স্ট টাইম ঠিক আছে। তো ইহা পে আপনা বাংলাদেশ শুরু খতম হতা হ্যায়, কোই অর দুসরা টুর লেতে আতে হ্যায়, দেখতে হ্যায়, বাই।